SC Verma solution, chapter 3, rest and motion kinematics, question 4, short answer. Question number 1. Galileo was punished by the church for teaching that the sun is stationary and the earth moves around it. His opponent held the view that the earth is stationary and the sun moves around it. If the absolute motion has no meaning, one the two viewpoints are equally correct or equally wrong. Okay, तो गैलीलियो ने क्या बोला था कि सन स्टेशनरी है और अर्थ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से चर्च ने उसको गैलीलियो को पनिश किया और इस गैलीलियो को जेल में रहना पड़ा. इसका वो आधे से ज़्यादा लाइफ ये जेल में रहा क्योंकि इसने ये थियरी दी थी कि सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है. बल्कि बाइबल में लिख रखा है, बाइबल में वो जो कुछ लोग मानते हैं कि अर्थ है वो स्टेशनरी है और सन घूमता है, तो उसकी वजह से इसको जेल में रहना पड़ा. किसको? गैलीलियो को. तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि गैलीलियो ने बोला सन स्टेशनरी है और दूसरा है वो ये बोलता है कि सन मूव कर रहा है, तो दोनों में से सही कौन है? और एक सही है तो दूसरा गलत होगा या सही होगा वो बताना अपने को. तो देखो, दोनों सही बोल सकते हैं और दोनों गलत हो सकता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो ये है कि कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब क्या है? रिलेटिव है. जैसे अगर हम अर्थ से किसी को देखें तो हम अर्थ को स्टेशनरी मान के बताते हैं कि ये कार जा रही है या ट्रेन जा रही है, बट यही अपन मून के ऊपर बैठ के देख के उस कार को या ट्रेन को जो अर्थ के ऊपर जा रही, तो कार भी मोशन कर रही है और अर्थ भी मोशन कर रहा है, तो दोनों रिलेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, सब रिलेटिव है. जैसे सन भी अगर हम यहाँ से देखते हैं तो सन मोशन कर रहा है, मून से देखते हैं तो सन भी मोशन कर रहा है, अर्थ भी मोशन कर रहा है. और अगर अपन अपने प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर जाके देखते हैं तो अपना जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो खुद मोशन कर रहा है, इवन अपनी गैलेक्सी मोशन कर रही है, राइट? तो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब रिलेटिव है. तो हम बोल सकते हैं दोनों के व्यू सही है और दोनों के व्यू गलत भी हो सकते हैं. वो कौन जज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है. जैसे मैं अगर रिलेटिव मानता हूँ तो दोनों सही है, राइट? और दोनों गलत भी हो सकते हैं. ठीक है, उन्होंने रिलेटिव क्या लिया तो वो पता होना चाहिए. तो दोनों सही है, इक्वली दोनों गलत भी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एन पार्टिकल मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इट्स स्पीड आर इक्वल, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. ओके, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन सेम है, यानी इस डायरेक्शन में स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, तो ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी सेम ही रहेगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, राइट? ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी 5 ही रहेगा. ओके, स्पीड जिसमें से डायरेक्शन निकाल दो तो भी ये 5 आ जाएगा, अगर डायरेक्शन निकाल दें तो 5 आएगा, तो सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, आर इक्वल. बिल्कुल सही है, तीनों इक्वल रहेगा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. स्पीड में ये होगा कि डायरेक्शन नहीं रहेगा बट मैग्नीट्यूड में स्पीड इक्वल आ जाएगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन. अ कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ एंड द अदर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट. तो एक नॉर्थ में जा रहा है और एक ईस्ट में जा रहा है, दोनों की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, वन द वेलोसिटी इक्वल आर द इक्वल सॉरी आर द वेलोसिटी इक्वल इफ नो विच वन इज ग्रेटर इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेवेंट एक्सप्लेन. तो देखो, एक की वेलोसिटी 60 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, एक की 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट. तो दोनों की जो वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो वेलोसिटी इक्वल नहीं है. यहाँ पे आंसर आएगा नो, राइट? इफ नो विच आर ग्रेटर, तो यहाँ पे ग्रेटर हम नहीं बोल सकते, ग्रेटर हम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं. डायरेक्शन कम या ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल सकते नॉर्थ बड़ा है और ईस्ट छोटा है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है. हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि ईस्ट नॉर्थ बड़ा है और ईस्ट छोटा है, या फिर ईस्ट छोटा है साउथ बड़ा है, ये क्वेश्चन गलत है. यानी ये जो क्वेश्चन है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है और डायरेक्शन छोटा बड़ा नहीं होता, यानी ये क्वेश्चन क्या है? इररिलेवेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेलोसिटी ऑफ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज इट गोज अप एंड देन कम बैक. ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला है, तो जैसे मैं इसको बोल देता हूँ टाइम है मेरा, ये वेलोसिटी, तो जब मैंने ऊपर फेंका तब
तब उस टाइम पे उस इंस्टेंट पे स्पीड कितना था 20, राइट। तो ऊपर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज होगा 20 से 19, 18, 15, 10, 5, 0। एक टाइम पे स्पीड 0 हो जाएगा, कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। टाइम बढ़ेगा, स्पीड डिक्रीज होगा। एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नीचे आएगा वो, तो स्पीड बढ़ेगी, बट किस में बढ़ेगी? नेगेटिव में, क्योंकि अपन ने ऊपर को पॉजिटिव लिया, तो नीचे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा था? घट रहा था, और मैक्सिमम पे स्पीड 0 हो गया। अब स्पीड नीचे की तरफ बढ़ेगा, राइट, नीचे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे स्पीड ऊपर जा रहा था, घटा, लेकिन यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा, राइट। कितना? 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कहाँ पर? जब वो ग्राउंड को टच करेगा। बट ये किस में बढ़ेगा? नेगेटिव में। तो सेम ग्राफ आगे जाएगा, राइट, स्ट्रेट लाइन रहेगा, सेम स्लोप, ये थोड़ा गलत बन गया, सेम स्लोप आएगा, ठीक है, ओके। और ये कहाँ जाके? अर्थ, जब वो ग्राउंड पे आके रुक जाएगा, ग्राउंड पे क्या है? स्पीड क्या आ जाएगा? -20। यहाँ पे कितना है? +20। +20 से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0, फिर वो नेगेटिव में बढ़ेगा और -20 हो जाएगा वेलोसिटी, क्लियर, ग्राउंड के ऊपर, ओके। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टूवर्ड वेस्ट, ओके, एट एन इंस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट टूवर्ड वेस्ट, नॉट टूवर्ड ईस्ट, नॉट टूवर्ड नॉर्थ एंड नॉट टूवर्ड साउथ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। तो स्पीड किधर है? वेस्ट की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ओके, जब जैसे मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूँ, कहाँ पर थ्रो करूँ? वेस्ट की तरफ। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल जाएगा, राइट, ये मेरा वेस्ट है, वेस्ट मान लेता हूँ, ये डायरेक्शन वेस्ट है। तो ये प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, राइट, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्पीड किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। हाईएस्ट पॉइंट का, प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर स्पीड किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है, ओके। बट यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, जी, वो किस तरफ है? डाउनवर्ड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ नहीं है, किस तरफ है ये? डाउनवर्ड। ये वेस्ट है, ये डाउनवर्ड है, और ये अपवर्ड है, क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल थ्रोन टूवर्ड वेस्ट, एंड एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा और स्पीड टूवर्ड वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एट विच पॉइंट ऑन इट्स पाथ अ प्रोजेक्टाइल हैज स्मॉलेस्ट स्पीड। तो स्मॉलेस्ट स्पीड कहाँ पे होती है? प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं तो स्मॉलेस्ट स्पीड होती है एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? स्पीड सबसे कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं स्पीड देखता हूँ तो स्पीड के दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, यहाँ पर भी स्पीड के दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, यहाँ पर भी स्पीड के दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, बट यहाँ पे सिर्फ स्पीड का एक ही कंपोनेंट होता है, वो होता है एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। मान लो ये यू है, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे यू कोस थीटा होगा, तो मिनिमम स्पीड होगी एट हाईएस्ट पॉइंट, और कितनी स्पीड होगी? यू कोस थीटा, यू इज इनिशियल स्पीड एंड थीटा इज इनिशियल एंगल, क्लियर, ओके। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इक्वल टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, पार्टिकल ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ए फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम एंड 2a फॉर सेकंड हाफ, द पार्टिकल बी हैज़ एक्सेलरेशन 2a फॉर फर्स्ट हाफ एंड a फॉर सेकंड हाफ, विच पार्टिकल हैज़ कवर्ड लार्जर डिस्टेंस, ओके। तो ए पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है और बी पार्टिकल भी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मान लो इसको मैं एक्स वाई बोल देता हूँ, ये भी एक्स वाई, तो जो यहाँ पे एक्स वाई है ये डिस्टेंस, और यहाँ पे एक्स वाई डिस्टेंस है, इन दोनों एक्स वाई में से कौन सा डिस्टेंस बड़ा है? फर्स्ट ए पार्टिकल, उसके बारे में बोल रखा है कि ए है जिसका एक टाइम के लिए एक्सेलेरेशन ए है, दूसरे टाइम के लिए एक्सेलेरेशन 2a है, यानी टी टाइम के लिए एक्सेलेरेशन ए है और टी टाइम के लिए एक्सेलेरेशन 2 है। इस पार्टिकल के बारे में बोल रखा है कि फर्स्ट टाइम के लिए एक्सेलेरेशन 2 है और सेकंड टाइम के लिए एक्सेलेरेशन कितना है? सेकंड सेम टाइम के लिए एक्सेलेरेशन ए है। क्वेश्चन समझो, एक पार्टिकल एक्स टू वाई जा रहा है, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए मान लो टाइम टू, टोटल टाइम 2t ले लिया, तो फर्स्ट हाफ टाइम टी होगा, सेकंड हाफ टाइम टी होगा, फर्स्ट के लिए एक्सेलेरेशन ए, सेकंड के लिए 2a। सेम दूसरा पार्टिकल बी है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, फर्स्ट एक्सेलेरेशन 2a, सेकंड एक्सेलेरेशन ए है और टाइम सेम है, तो इस एक्स वाई में
और एक्स एक्स वाई में कौन बड़ा होगा, यानी ए पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या फिर बी पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये निकालना पड़ेगा। ओके फर्स्ट देखो, इसमें एक्स वाई लिख रखा है ना, तो यहाँ पे मैं एक जेड पॉइंट ले लेता हूँ, तो एक्स टू जेड डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स टू जेड हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे तो यू जीरो है, यहाँ पर भी यू जीरो, तो यहाँ का देखो एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर राइट। फिर देखो जेड वाई देखते हैं, यहाँ का जेड वाई, यहाँ का जेड वाई लिखता हूँ, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ तक आएगा तब तक यू स्पीड आ जाएगी, यू स्पीड कितनी आएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो देखो ये यू जीरो और ए टी, तो ए टी स्क्वायर प्लस हाफ टू ए, ये वाला टू ए, इंटू टी स्क्वायर राइट। तो ये कितना आया, टू ए टी स्क्वायर, ये जेड वाई, तो टोटल एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स जेड को और जेड वाई को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा फाइव बाई टू ए टी स्क्वायर राइट। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्स जेड निकालता हूँ, यहाँ का एक्स जेड, तो एक्स जेड निकालता हूँ, तो टू ए मेरा एक्सेलेशन है, तो हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू यहाँ का जीरो, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना टू ए टी स्क्वायर, तो कितना आया ये ए टी स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट जेड टू वाई, जेड टू वाई, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे वी आ जाएगा कितना आएगा, ए यानी टू ए इंटू टी और यू टी इन टी हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, तो कितना आएगा ये टू ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये ए टी, तो इनको सोल्व ऐड करेंगे एक्स जेड और जेड वाई, यानी एक्स वाई आ जाएगा मेरा कितना आएगा तीन और तीन छः यानी सात बाई टू ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों में से ए और बी ने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स वाई ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्लियर है। ओके एट्थ क्वेश्चन देखो, इफ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, इट इज़ आइदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट, नहीं, क्योंकि देखो पार्टिकल एक्सेलरेट कैसे कर सकता है, जैसे मैं बोलूँ कि पार्टिकल अभी यहाँ जा रहा है और उसने मैग्नीट्यूड स्पीड का सेम रखा और टर्न ले लिया, तो टर्न ले लिया तो भी एक्सेलरेशन हुआ, बट न तो स्पीड बढ़ी और न स्पीड घटी, तो ये जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, एक्सेलरेशन में जरूरी नहीं कि स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, टर्न लेने में भी एक्सेलरेशन होता है। जैसे मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंट स्पीड होता है राइट, कॉन्स्टेंट स्पीड से भी सर्कुलर मोशन हो सकता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है किस तरफ, टूवर्ड सेंटर, और स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ, अ फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन गोइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 meters, व्हाट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द प्लेन, व्हाट इज द पाथ एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, इफ द समवन हैज आस्क्ड व्हाट इज द एक्चुअल पाथ, व्हाट विल बी योर आंसर। ओके तो एरोप्लेन मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये मान लो हेलीकॉप्टर है ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसने जैसे ड्रॉप करेगा, तो ये ड्रॉप करेगा तो ये इस तरह से गिरेगा ठीक है, क्योंकि उस जिस पैकेट को ड्रॉप किया उसकी स्पीड इस तरफ कुछ होगी, तो वो यहाँ गिरेगा ठीक है, यहाँ पे गिरा। अब अगर आप यहाँ पे बैठे हो और देख रहे हो उसको, तो आपके लिए प्रोजेक्टाइल पाथ है, बट अगर इस एरोप्लेन में या प्लेन के अंदर आप बैठे हुए हो और इस प्लेन से आप देखोगे, तो आपकी स्पीड इस तरफ है राइट, तो जिस टाइम पे पैकेट यहाँ आएगा उस टाइम पे आपका प्लेन यहाँ पे आ जाएगा राइट, यानी आपके लिए ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, जब आप प्लेन में हो तब स्ट्रेट लाइन, और जब आप ग्राउंड पे हो तो क्या है प्रोजेक्टाइल। तो हम ये नहीं बोल सकते एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ रिलेटिव है, एक्चुअल पाथ रिलेटिव है, ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल और प्लेन से स्ट्रेट लाइन, तो एक्चुअल पाथ बोलना है तो ग्राउंड से बोल सकते हो कि इसका प्रोजेक्टाइल होगा। टेंथ क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल, अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो बट इट्स एक्सेलेशन इज नॉट जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो बट इट्स एक्सेलेशन इज नॉट जीरो, आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको, जब ये हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको जब ये हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, बट एक्सेलेशन नीचे होगा जी। ओके सेकंड देखो, द वेलोसिटी इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन, द वेलोसिटी इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलेशन नीचे है, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलेशन, सेम प्रोजेक्टाइल फेंको, तो प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, हाइएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलेशन नीचे, क्लियर है। तीनों एग्जाम्पल, एक हाइएस्ट पॉइंट का, एक जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, और एक प्रोजेक्टाइल का, एक हाइएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलेशन नीचे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
figure shows the coordinate of particle as function of time. Find the sine vx and ax at t is equal to t1, t2, t3. तो t1 पे देखो, t1 पे xt graph given है. xt graph में v क्या होता है? Slope. xt का slope. ये slope. ठीक है. तो यहाँ पे slope क्या है? Positive. Angle क्या है आपका? tan theta होता है. Slope क्या है? tan theta. tan theta आपका velocity होगा. तो यहाँ पे positive आ रहा है. Velocity क्या होगा? Positive. यानी यहाँ पे v क्या होगा? Positive. Okay. Next t2 देखो. t2 पे स्लोप क्या है? जीरो. स्लोप जीरो है तो स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्पीड है वो टेन थीटा होगा, राइट. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेस देन 90 यानी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. और यहाँ पे स्पीड क्या आएगा? जीरो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो. t3 देखो, t3 पे स्लोप इस तरह से, ठीक है. अगर एंगल देखोगे तो ग्रेटर देन 90, तो आपका स्पीड क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा. क्लियर. ओके. नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन क्या आता है. यहाँ पे देखते हैं तो आपका स्पीड का एंगल थीटा है. थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये एंगल बढ़ जाता है. ये एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. यानी t1 से थोड़ा आगे जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी. स्पीड बढ़ जाएगी मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है. यहाँ पर देखो, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, राइट. स्पीड घट जाएगी आपकी. अगर स्पीड घटती है यानी नेगेटिव हो रही है ना, यहाँ पे जीरो है बट आगे जाके नेगेटिव हो गई, तो स्पीड डिक्रीज हुई, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ यहाँ पे? नेगेटिव. ओके. यहाँ चेक करो, यहाँ पर भी सेम, आगे गए तो स्पीड और डिक्रीज हुई. डिक्रीज हुई मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो. अ प्लेयर हिट्स अ बेसबॉल एट सेम सम एंगल. द बॉल गोज हाई अप इन स्पेस. द प्लेयर रन एंड कैच द बॉल बिफोर इट हिट द ग्राउंड. विच ऑफ द टू द प्लेयर ऑफ द बॉल, द प्लेयर और अ बॉल हैज़ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट. तो प्रोजेक्टाइल किया, उसने किक मारा तो बॉल इस तरह से गया. अब जब बॉल इस तरफ जा रहा था तो खुद भी इस तरफ से दौड़ा और यहाँ आके बॉल को कैच कर लिया. तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट है. तो दोनों ने सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट है. बॉल के लिए भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, और उस पर्सन के लिए भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है. तो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे. 13th क्वेश्चन देखो. द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल पेट्रोल पुट इन टू द इंजिन. इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेलेट अ कार विदाउट पुटिंग मोर पेट्रोल और लेस पेट्रोल इन टू द इंजिन. ओके. हमें पता है कि जितना इंजिन जितना पेट्रोल बर्न होता है उतना ही कार की स्पीड बढ़ती है. तो अगर हम पेट्रोल ज़्यादा बर्न करेंगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी यानी एक्सेलेट होगा. पेट्रोल कम बर्न करेंगे तो स्पीड कम होगी यानी एक्सेलेशन कम होगा, राइट. सॉरी एक्सेलेशन क्या? एक्सेलेशन नेगेटिव होगा, राइट. तो ये बोल रहा है कि बिना पेट्रोल बर्न किए, बिना ज़्यादा पेट्रोल या कम पेट्रोल बर्न किए क्या हम एक्सेलेट कर सकते हैं? तो पॉसिबल है. सर्कुलर मोशन करवा दो. सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होगी, स्पीड कॉन्स्टेंट यानी आप सेम पेट्रोल बर्न कर रहे हो हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर स्पीड सेम यानी हर पॉइंट के ऊपर पेट्रोल सेम बर्न कर रहे हो लेकिन फिर भी एक्सेलेशन हो रहा है, क्लियर है. तो सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. अ मैन रनिंग ऑन अ रोड कीप हिज अम्ब्रेला टिल्ट बट अ मैन स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट कीप हिज अम्ब्रेला वर्टिकली टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. बट बोथ ऑफ देम कीप देयर अम्ब्रेला वर्टिकल टू अवॉइड द वर्टिकल सनरेज. एक्सप्लेन. ओके. तो क्या होता है कि अगर हम वर्टिकली रेन है और हम खड़े हैं तो हमें अम्ब्रेला को ऊपर रखना पड़ता है, राइट. अम्ब्रेला को ऐसा रखना पड़ता है. बट जब हम मोशन करते हैं, हम स्पीड आगे बढ़ते हैं तब हमें अम्ब्रेला इस तरह से रखना पड़ता है, राइट. अगर आप बाइक के ऊपर हो तो आपको अम्ब्रेला ऐसा रखना पड़ता है. अगर आप खड़े हो तो अम्ब्रेला ऐसा रखना होता है. क्यों? क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो ना तब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू यू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, एंगल चेंज हो जाता है. और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन वर्टिकल होता है, राइट. बट अगर सेम सन रेज की बात करें तो सन रेज में अगर आप धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला रखना है तो आप खड़े हो तो भी अम्ब्रेला ऐसे रखते हो, और आप बाइक के ऊपर हो तो भी आप अम्ब्रेला ऐसे रखते हो. धूप से बचने के लिए आप अम्ब्रेला को ऐसा नहीं करते हो. ऐसा क्यों नहीं करते अपन? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेज, सन रेज विथ रेस्पेक्ट टू यू चेंज नहीं होगी. क्यों चेंज नहीं होगी?
क्योंकि स्पीड जो सन रे की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, कितनी है 3 × 10⁸, और आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, आपकी गाड़ी की स्पीड होगी 10⁻, 10⁻ ज़्यादा से ज़्यादा 100 की स्पीड से चला दोगे, 10⁻², राइट, इतनी स्पीड कर सकते हो ना, यानी 100 की स्पीड से हो सकती है। यहाँ पर देखो 10⁸ है, तो वेलोसिटी ऑफ सन रेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेज चेंज नहीं होती, इसलिए हम सन रेज के कम जब सन रेज से बचने के लिए हमें अम्ब्रेला वर्टिकली रखते हैं, चाहे हम बाइक पे हो चाहे हम खड़े हो, बट रेन के लिए हम अम्ब्रेला जब खड़े हो तो वर्टिकल रखते हैं, और जब मोशन में होते हैं तब टिल्ट कर देते हैं, क्योंकि रेन की स्पीड कम होती, ज़्यादा नहीं होती, यानी कंपेरेबल होती, क्लियर है।